एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है द इन्फॉर्मर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पीए सिस्टम लेकर के आई हूँ जिसकी कीमत कम है लेकिन उसकी खूबियाँ बहुत हैं। फिर चाहे बात करें उसकी वोकल क्वालिटी की, उसकी साउंड क्वालिटी की, उसकी खूबसूरती की, उसकी मजबूती की, या फिर हम बात करें उसकी बैटरी बैकअप की। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, जिस पीए सिस्टम की मैं बात कर रही थी वो ये रहा आपके सामने, Muse 81 पुटेबल पीए एक्टिव स्पीकर, जिसे बनाया है स्टूडियो मास्टर ने। और बड़ा ही प्यारा दोस्तों इसका एक स्लोगन है, ये देखिए, ये रहा सामने, साउंड ऑन द मूव। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो बारी बारी से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का लोगो दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, ये देखिए, इसकी वाटेज की बात करें तो 30 वाट का पावर आउटपुट है इसका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक कॉर्डलेस माइक भी मिल रहा है, वायरलेस माइक है, वो भी आपको यहाँ शो कर रहा है। चार्जेबल बैटरी है, मीडिया प्लेयर रिकॉर्डर है, और दोस्तों देखिए इसमें ट्रू वायरलेस स्टूडियो पेयरिंग है। ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा कि मोनो पेयरिंग होती है, लेकिन इसकी खासियत एक ये भी है दोस्तों कि इसमें वायरलेस स्टूडियो पेयरिंग है। तो ये दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आईआर रिमोट कंट्रोल है जिस रिमोट के ज़रिए आप इस पीए सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वन माइक या वन गिटार इनपुट पॉइंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3.5 mm ईपी ऑक्स इन पॉइंट है, यहाँ पे माइक वॉक्स प्रायोरिटी पॉइंट है, इको की फैसिलिटी है, बिल्ट इन रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इसमें, 4500 mAh की बैटरी है जो कि वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 5 घंटे आपको इसका बैटरी बैकअप है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 वोल्ट का डीसी चार्जिंग अडॉप्टर आपको मिल रहा है जो कि वाकई अच्छा है। 12 वोल्ट कार बैटरी मिल रही है आपको जो कि सच में बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिंगल सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये पीए सिस्टम। जैसे कि आप टिकटॉक पे या फिर स्टार मेकर पर प्रैक्टिस करके गाना चाहते हैं तो सीरियसली ये पीए सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर चाहते हैं कि इस पीए सिस्टम का बैटरी बैकअप आपको ज़बरदस्त मिले तो 8 घंटे इसे चार्ज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, अब मैं इसको इसके बॉक्स से निकाल लेती हूँ और देख लेती हूँ कि सिस्टम अंदर से कैसा है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स से। और ये देखिए, हमने इसे ये ओपन कर लिया, और ये देखिए इसकी पैकिंग की बात करें दोस्तों तो इसकी पैकिंग का बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल रखा है स्टूडियो मास्टर ने, और इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये कई जगह से, कई शहरों से ट्रेवल करता हुआ किसी भी एजेंसी या फिर किसी भी शोरूम तक पहुंचता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए इसमें थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया है ताकि प्रोडक्ट जो है वो कहीं से भी डैमेज ना हो, टूटे नहीं, हिले नहीं, इसीलिए इसकी सेफ्टी का बेहतर ख्याल रखा है स्टूडियो मास्टर ने। तो चलिए इसे हम लोग ऐसे, ये मैंने इसे बाहर निकाल लिया, और ये रहा वो शानदार प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया है, तो चलिए इसे चारों तरफ घुमा के दिखाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आप स्पीकर ग्रिल देख सकते हैं, ये देखिए, जो कि काफ़ी मजबूत है।
अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर की, जो कि 8 इंच का पावर स्पीकर है इसके अंदर, 3 इंच का ट्वीटर है और यहाँ पर एयर पासिंग की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। और दोस्तों सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इसका ये है कि इसके फ्रंट पार्ट में डीजे लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो वो मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड पोर्शन की। तो साइड पोर्शन इसका बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा अगर साइड पोर्शन की बात करें तो वो भी बिल्कुल प्लेन है, ये देखिए। और अब बात करते हैं इसके बैक पैनल की। बैक पैनल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉप की। टॉप में आपको दो तरह के हैंडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। एक ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सा हैंडल जो कि दो कलर में है, ब्लैक और ऑरेंज। इसे आप उठा के कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का सा पीए सिस्टम है, केवल 8 किलो 100 ग्राम का ये पीए सिस्टम आपको मिल रहा है। दूसरे हैंडल की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एक और हैंडल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से आपको इस तरह से पुश करना है, ऊपर की तरफ खींचना है और अब ये बिल्कुल एक ब्रीफकेस की तरह बन गया दोस्तों। ये पीए सिस्टम जो है ये ट्रॉली नुमा है, आप इसे कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए दो व्हील्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही मजबूती से इन्हें डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी भी ऊबड़ खाबड़ वाले फ्लोर में ये इसमें स्क्रैचेज नहीं पड़े, किसी भी तरह से व्हील जो है वो डैमेज ना हो। तो चलिए ये तो बात हो गई दोस्तों इसके हैंडल्स की, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से बटन्स हैं, उनका क्या क्या यूज़ है। तो चलिए देखिए, ये देखिए सबसे पहले आपको ये पावर बटन देखने के लिए मिल रहा है। पावर बटन का यूज़ दोस्तों ये है कि देखिए बटन अभी बीच में है। अगर आपको बैटरी से चलाना है तो इस बटन को इधर की ओर पुश करना होगा, यानी लेफ़्ट की तरफ। अब बीच में इसे पुश कर देंगे तो ये ऑफ हो गया। अगर आपको डीसी 15 वोल्ट से चलाना होगा तो ये आपको बटन को इधर पुश करना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरा बटन जो आप देख सकते हैं, ये लाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लाइट्स कौन सी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस पीए सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, इसमें डीजे लाइट भी लगाई गई है। तो डीजे लाइट अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो इस बटन को आपको इधर की ओर प्रेस करना होगा। आप चाहते हैं नहीं ऑन करना तो उसे ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दो पार्ट और नज़र आ रहे हैं, ऑक्स आउट और स्पीकर आउट। तो अगर आप इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डीसी 12 वोल्ट इनकी अगर कोई दूसरी बैटरी है तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एलईडी लाइट्स भी आपको कुछ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डीसी 15 वोल्ट इनका आपको एक एडाप्टर मिल रहा है, तो आप एडाप्टर उसमें लगाकर इस पीए सिस्टम को चार्ज भी कर सकते हैं और उसको इसके उस एडाप्टर के जरिए इसको चला भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इस पीए सिस्टम के साउंड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला बटन आप देख सकते हैं बास, यानी बेस भी जिसे कहते हैं, ट्रेवल है, माइक, इको है, गिटार वॉल्यूम, यानी गिटार में अगर आपको वॉल्यूम देना है तो ये वाला जो बटन है आपको कम ज़्यादा करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया, चलिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे माइक का ये पार्ट है और एक ये पार्ट है गिटार का। आप यहाँ पे एक वायर वाला माइक लगा सकते हैं या फिर आप एक गिटार लगा सकते हैं, ठीक है। तो गिटार के लिए जो वॉल्यूम दिया गया है दोस्तों, उसका बटन यहाँ पे है। दोस्तों इसके साउंड इफेक्ट्स की एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि फीमेल वॉइस जो होती है उसमें ट्रेबल ज़्यादा होता है और बेस कम होता है। तो हमें करना क्या है कि बेस को हमें बढ़ा लेना है और ट्रेबल को थोड़ा सा कम कर लेना है। वहीं दूसरी साइड मेल की वॉइस की बात करें तो उनमें बेस जो है वो ज़्यादा होता है, ट्रेबल कम होता है। तो हमें क्या करना है, बेस को थोड़ा सा कम कर लेना है और ट्रेबल को बढ़ा लेना है। अब अगर माइक में इको की बात करें तो दोस्तों, अगर आपकी वोकल क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इको डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वोकल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप चाहते कि आवाज़ आपकी बहुत खिल के आए, तो आप इसमें माइक में इको को बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने वॉइस के अकॉर्डिंग। तो आइए दोस्तों अब इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट में सबसे पहले हम इसके टॉप की बात कर लेते हैं। टॉप में आपको ये हैंडल के जस्ट नीचे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से बटन्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। दो बड़े बड़े बटन हाइलाइट्स हैं जो कि दोनों वॉल्यूम बटन्स हैं। अगर इस पहले बटन की बात करें तो ये बटन जो है, ये जो इस पीए सिस्टम के साथ जो आपको कॉर्डलेस माइक मिल रहा है उसकी वॉल्यूम के लिए ये बटन आपको दिया गया है। आप अपने अनुसार उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा बटन आप देख रहे हैं, ये जो है
इसमें आपको USB या SD कार्ड या फिर ऑक्स जो आप यूज़ करेंगे उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपको इनपुट लिखा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, तो इस बटन को आपको प्रेस करना है ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए। नेक्स्ट जो बटन है वो रिवाइंड के लिए है। ये देखिए अगला बटन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इससे आप प्ले और पॉज कर सकते हैं। अगला जो बटन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये फॉरवर्ड के लिए है। अगला बटन ये जो है ये प्रायोरिटी के लिए बटन, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप जो कुछ भी बोल रहे होंगे आपका जो वॉल्यूम है वो हाई हो जाएगा और जो भी ऑडियो पीछे से चल रहा है वो लो हो जाएगा। ये बात मैं कर रही हूँ वायर वाले माइक के लिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, ये वायर वाले माइक के लिए है, ठीक है। अब अगला जो बटन आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग के लिए है। अब ये रिकॉर्डिंग किस में कर सकते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, या तो आप USB में रिकॉर्ड कीजिए या तो आप SD कार्ड में रिकॉर्ड कीजिए, तो उसके लिए आपको इसी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो होगी बटन्स की बात, और लेकिन जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे यहाँ पे आपको एक लाइट LED स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि अगर आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जब मैंने बॉक्स ओपन किया था तो आपको थर्माकोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी, तो चलिए हम लोग बारी बारी अब वो देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जिस थर्माकोल बॉक्स की मैं बात कर रही थी वो ये रहा आपके सामने। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है कोर्डलेस माइक, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप इसे। ये इसका रिमोट है, ये 3.5 mm का केबल है, ये देखिए। और ये कुछ ज्ञान की बातें हैं, बिल्कुल आप इसे पढ़िए, पढ़ना ज़रूरी है। और ये देखिए 15 वोल्ट का ये आपको एडॉप्टर इसमें मिल रहा है, और ये माइक होल्डर है दोस्तों, ये मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका माइक कहीं पे लगा रहे या सेफ रहे, तो ये देखिए माइक होल्डर इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप ये देखिए, आप आपको एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, एक होल आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसमें स्क्रू भी दिए गए हैं, ये देखिए स्क्रू से आपको यहाँ पर ऐसे कस देना है और माइक को ऐसे वहाँ पर होल्ड कर देना है, लगा देना है। इससे क्या है कि आपका माइक बिल्कुल सेफ रहेगा, जो भी ऑडियो बज रहा है बजता रहे, आपका माइक यहाँ पे सेफ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इस पावर बॉक्स को मैं ऑन कर लेती हूँ। इस कॉर्डलेस माइक में दो पेंसिल बैटरीज लगा लेती हूँ और DJ लाइट को भी ऑन कर लेती हूँ, और चलिए मिलकर देखते हैं इसकी वोकल क्वालिटी को। तो मैंने इसे ऑन कर दिया दोस्तों, ये बैटरी से चल रहा है। अगर आपने चार्ज कर लिया इसे तो आप चार्ज करके चला सकते हैं बैटरी से, अदरवाइज आप पावर से भी चला सकते हैं। और मैंने ये DJ लाइट को भी ऑन कर दिया। अब मैं ये दोनों पेंसिल बैटरी को कॉर्डलेस माइक में लगा रही हूँ। हेलो। तो आइए दोस्तों अब हम इसमें कुछ म्यूज़िक लगा लेते हैं और मैं आपको अब कुछ गा के सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने इस मोबाइल को इस सिस्टम के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और इसका भी ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। तो चलिए मैं दो लाइन गा के सुनाती हूँ। ओवरऑल क्वालिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो 8 किलोग्राम का ये बहुत ही हल्का फुल्का सा PA सिस्टम है,
ब्लूटूथ की बात करें तो अभी तक आप ब्लूटूथ मोनो पेयरिंग कर रहे थे, लेकिन इसकी सबसे खास बात है दोस्तों कि ब्लूटूथ स्टूडियो पेयरिंग कर सकते हैं आप इसके साथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सबसे, मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट इसका जो लगा कि इसके फ्रंट में आपको डीजे लाइट वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप डीजे लाइट ऑन करना चाहते हैं तो सारे बटन्स पीछे दिए गए हैं, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और अगर आप इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो एक बार चार्ज करने के बाद ये 5 घंटे बड़ी ही आराम से चल सकता है। आप बैटरी से भी चला सकते हैं, अगर बैटरी ऑफ हो गई है, ख़त्म हो गई, तो आप चार्ज कर सकते हैं। आपको बैटरी चार्ज करने के लिए आपको एडाप्टर भी मिल रहा है दोस्तों। इसका साउंड आउटपुट 30 वाट RMS में है। और अगर इसकी कीमत की, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी प्राइस की बात करें, तो 10,000 की रेंज में बहुत ही ब्यूटीफुल PA सिस्टम है। जी हाँ, इसके प्राइस की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका प्राइस है 9,950 रुपये। दोस्तों मैंने इस PA सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो आपके डिमांड को लेकर, आपकी सेहत को लेकर और आपकी नॉलेज को बढ़ाने को लेकर होते हैं, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसके कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे पता चल जाता है कि आप किस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एक बार फिर से कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसी तरह से यूज़फुल वीडियो और ऐसे वीडियो जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, आगे भी मैं बनाते रहूँगी वीडियोस। दोस्तों जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी कि आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए।